내가 너만 많은 지를 꺼내! मीडियाटेक में कौन सी फाइल आती है? मीडियाटेक में कौन सा टूल यूज होता है? मीडियाटेक में कौन सा ड्राइवर यूज होता है? अब क्वालकॉम की बात करते हैं, तो क्वालकॉम में कौन सी फाइल आती है? कौन सा टूल यूज होता है? ड्राइवर। चलो अब ये बता दो, कौन बताएगा कि सीपीयू को कितने तरीके हैं जानने के? सभी को पता है क्या? इतने लोगों को पता है सीपीयू जानने का तरीका? चलो वो आपको पता है, पांचवा तरीका आपको पता है ना? चलिए ठीक है, उसके लिए यहाँ आना पड़ेगा। पांचवा तरीका हमारे स्पेशल एसए टेलीकॉम स्टूडेंट को दिया जाता है, वो पांचवा तरीका है क्या कि हम पांचवा तरीके से कैसे सीपीयू जानते हैं? ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल एसए टेलीकॉम। दोस्तों आज हमारी सॉफ्टवेयर की क्लास चल रही है, मैं हूँ दुर्गेश कुमार सोनी और ये हमारे स्टूडेंट हैं और आज सॉफ्टवेयर का रिव्यू ले रहे हैं हम। 6 दिन की क्लास 7 दिन की क्लास हो चुकी है, हम आपको बताते हैं कि ये कैसा सीखे हैं कैसा नहीं सीखे हैं, सारा चीज आपको स्टूडेंट ही बताएंगे। तो चलिए हम अपने स्टूडेंट से मिलवाते हैं आपको। चलिए तो ये सॉफ्टवेयर की क्लास कितने दिन की हो गई? 7 दिन की क्लास हो गई है। सॉफ्टवेयर लगभग आपका कंप्लीट ही हो गया है, अब कुछ चीजें बची हैं जो कि वो कुछ दिन में फाइंड हो जाएंगे क्योंकि सॉफ्टवेयर की क्लास अभी बाकी है। तो हमारे ये स्टूडेंट हैं और हम आपको बता दें ये हमारे 28 अक्टूबर बैच के स्टूडेंट हैं। चलिए तो सॉफ्टवेयर, तो हम इनको खड़ा करते हैं सबसे पहला। उससे पहले सॉफ्टवेयर कौन कौन कर लेगा? सभी लोग कर लेंगे? ठीक है, तो अब आप अपना पहले नाम बताइए और कहां से? मेरा नाम छोटेलाल कुमार सोनी है, मैं नेपाल से आया हूं। तो मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं कि सॉफ्टवेयर कितने बेसिस से होते हैं? दो बेसिस होते हैं। कौन कौन सा? एक सीपीयू वाइज और एक फाइल वाइज। आपने अभी तक जो पढ़ा है पूरा सीपीयू वाइज पढ़ा है, आज जब अब जो पढ़ेंगे वो कौन सा? फाइल वाइज पढ़ेंगे। तो आपने अभी तक सीपीयू वाइज जो भी था आपने पढ़ लिया है? चलिए ठीक है, पहले दिन की क्लास आपकी किसकी हुई थी? मीडियाटेक की। पहले दिन टूल्स की हुई, सेकेंड दिन मीडियाटेक की हुई। फिर से, पहले दिन की क्लास आपने किसका लिया? टूल्स का लिया। तो टूल में मैं पूछना चाहता हूँ, टूल में कौन कौन सा टूल आपने सीखा? सर मिरेकल टूल। मिरेकल। और आपने फिर दूसरा टूल? एमआरटी। तीसरा टूल? यूएमटी। चौथा टूल? जेट3एक्स। अब बस इतना बता दो कि जेट3एक्स, एमआरटी, मिरेकल को कहां से डाउनलोड करना है, आप कर लेंगे? जी सर कर लेंगे। ठीक है, फिर दूसरी दिन की हमारी क्लास हुई, दूसरी दिन की क्लास हमारी कौन सी हुई? मीडियाटेक। तो हम मीडियाटेक में बात करते हैं, तो मीडियाटेक में कौन सी फाइल आती है? मीडियाटेक में स्कैटर फाइल आती है। कौन सा टूल यूज होता है? एसपी फ्लैश टूल। कौन सा ड्राइवर उसमें? बीकॉम प्रीलोडर यूएसबी ड्राइवर। कितने ड्राइवर देने होते हैं? दो ड्राइवर देने होते हैं। कौन कौन से? 6588-6700। वेरी गुड। और एक बात बता देते हैं आईसीयू के बारे में, MT-62XX क्या होता है? MT-62XX क्या होता है? MT-67XX क्या होता है? ठीक है, तो मतलब आईसीयू आप पहचान जाएंगे ना, कहीं पे भी आईसीयू में आपको लिखा मिले MT-62XX, MT-65XX, MT-67XX आप पहचान जाएंगे। ठीक है, तो हमने टूल के बारे में जाना, तो टूल कौन सा यूज होता है? एसपी फ्लैश टूल। कौन सी फाइल आती है? स्कैटर। अब हम बात करते हैं एसपी फ्लैश टूल कौन सी फाइल को लेगा? स्कैटर फाइल लेगा। ठीक है, तो आपने मीडियाटेक का, और मीडियाटेक में अगर कोई एरर आता है, जैसे एक एरर आता है मीडियाटेक में डीए का एरर, तो डीए का एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे? डीए एरर उसका प्रॉपर फाइल डाउनलोड करना पड़ता है। डीए का प्रॉपर फाइल डाउनलोड करना है, क्या करना है? अगर आपको वो तो गूगल में मिल जाएगी, या तो यूट्यूब के लिंक में मिल जाएगी, या तो आपको पैड मिलेगी। क्या मिलेगी? नहीं तो मैं आपको बता दूं, डीए के लिए आपको फिर लास्ट में क्या करना होगा? एमएमसी करना होगा। फिर लास्ट में आपको क्या करना होगा? और एक यूएमटी वालों ने आपको ऑप्शन दे रखा है कि बहुत सारे डीए आप 1x1 उसको चेंज करके कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ये बताइए दूसरे दिन की क्लास आपने क्या अटेंड की? दूसरा दिन के सर में क्वालकॉम सीपीयू का सर किया। क्वालकॉम? तो क्वालकॉम में कौन सी फाइल आती है? क्वालकॉम में सर firehouse.mbm करके फाइल आता है। वेरी गुड। और उसमें टूल कौन सा यूज होता है? उसमें टूल सर यूज होता है क्यूफिलिया, क्यूपीएसटी टूल। ड्राइवर? ड्राइवर सर क्यूटी लोडर 9008 होता है सर।
सभी को पता है ना, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर सबसे एक एक करके पूछेंगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, तो इस वीडियो को हम जो भी है एक एक स्टूडेंट से ही तो पूछ ही लेते हैं, ठीक है। और क्वालकॉम में मैं बात करूं टूल, और आप क्वालकॉम में कहां कहां से फ्लैश कर सकते हैं, सबसे बेस्ट टूल आप क्या बोल सकते हैं जो आपने सीखा है? मैं बोलूंगा यूएमटी से सर करिए, क्योंकि अगर क्वालकॉम का ऐसे होगा तो यूएमटी से बेस्ट होता है सर। और दूसरी बात, और कहां कहां से फ्लैश कर सकते हैं उसे? आप सॉफ्टवेयर की क्लास लेके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छी लगा सर। मतलब जो आप सीखने आए थे, जो एक्सपेक्ट किया था ऐसे टेलीकॉम से, आपको मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है, जरूर मिले, सॉफ्टवेयर से मिल रहा है, हार्डवेयर से मिल रहा है। हार्डवेयर की क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आपको सुबह प्रैक्टिकल भी दिया जा रहा है। सॉफ्टवेयर की क्लास तो चली रही है, पर उसके बीच में सुबह मॉर्निंग में आपको क्या दिया जा रहा है? हार्डवेयर का प्रैक्टिकल मिल रहा है। चलिए ठीक है, अब तीसरे दिन की क्लास, तीसरे दिन की हमारी क्लास क्या हुई थी? एमआई। तो एमआई में कितने प्रकार के सीपीयू आते हैं इसमें? एमआई में दो प्रकार का, दो प्रकार से, क्वालकॉम और एमटीके। क्योंकि अभी तक हमारे इंडिया में ज्यादातर क्वालकॉम ही आता था, अब वो मीडियाटेक आने लगा है। एमआई की क्लास हुई, तो एमआई की क्लास में कौन सा टूल यूज होता है? एमआई में फ्लैश टूल यूज। एमआई ड्राइवर, ड्राइवर क्यूडो लोडर 9000। क्यों? ये क्वालकॉम की सीपीयू, क्योंकि उसमें कौन सा सीपीयू आता है? अब नए फोनों में मीडियाटेक भी आने लगा, तो मीडियाटेक के लिए कोई अलग से ड्राइवर डालने क्या? क्योंकि ऑलरेडी हमने मीडियाटेक का ड्राइवर मैनुअली चलाया कि इंस्टॉलर? इंस्टॉलर भी आपको चलाना है, बट आपको वन टाइम मैनुअली ड्राइवर को चलाना ही है। कितने ड्राइवर? दो ड्राइवर चलाना है, MT-65XX प्रीलोडर यूएसबी ड्राइवर, MT-67 प्रीलोडर। तो उसके लिए अगर वो एमआई का मीडियाटेक का सीपीयू आया, तो आपको अलग से ड्राइवर चलाने हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पहले से आपने मैनुअली ड्राइवर को इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं एमआई का, तो एमआई में किस मोड से वो फ्लैश या तो एफआरपी हटता है? ईडीएल मोड से। ईडीएल मोड लाने के लिए कितने तरीके हैं? तीन तरीके हैं। कौन कौन से? एक तो ईडीएल केबल आता है, उससे भी हटा सकते हैं, और दूसरा टेस्टिंग पॉइंट से भी हटा सकते हैं, और फिर वॉल्यूम अप डाउन से भी हटा सकते हैं। एमआई का प्रॉपर बताइए। एमआई का टेस्टिंग पॉइंट से हटा सकते हैं। क्वालकॉम का कैसे आ सकता है? क्वालकॉम में ईडीएल पॉइंट कैसे बनाएंगे? एरियल पॉइंट केबल से बना सकते हैं। केबल से कैसे? कौन सा केबल उसके लिए? एरियल केबल, ईडीएल केबल। और उसको कैसे? और भी, और आपको वैल्यूम अप और डाउन दोनों एक साथ को दबाना पड़ेगा। और जो नए फोन आ रहे हैं वो उसका टेस्ट पॉइंट भी आ रहा है, वीवो का जो फोन आ रहे हैं उसमें भी टेस्ट पॉइंट आ रहा है। टेस्ट पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास हमारी सैमसंग की हुई। तो सैमसंग की क्लास में हम बता दें आपको फाइल कौन सी आती है? सैमसंग में आती है टर फाइल आती है, .tr MD5। उसका पूरा नाम है .tr भी हम बोल सकते हैं। और उसमें टूल कौन सा यूज होता है? ओडिन। अब उसमें ड्राइवर? सैमसंग फ्लैश टूल, कोई बात नहीं। सैमसंग में कौन सा ड्राइवर यूज होता है? सैमसंग यूएसबी ड्राइवर। तो अब हम तो फ्लैशिंग की बात कर ली, अब हम एक बात करते हैं सैमसंग में, सैमसंग की एफआरपी कितने मोड से हटा सकते हैं? दो मोड से। कौन कौन सा मोड है आप बताओ? सैमसंग एफआरपी कितने मोड से हटा सकते हैं? कौन कौन से? आप बताइए। अगर नॉर्मल, अगर हमारा डाउनलोड मोड से हट जाता है, तो डाउनलोड मोड तो आपका नॉर्मल आ जाएगा। नॉर्मल आने के लिए क्या क्या तरीका है डाउनलोड मोड लाने के लिए? डाउनलोड मोड में पावर है, डाउन और होम की और पावर एक साथ प्रेस करना है, आपका डाउनलोड मोड पे ले जाएगा। अब आप तो उससे एफआरपी हटा लेंगे, बट अगर एडीबी से हटाना हुआ तो क्या करेंगे आप? उसमें हमें कॉम्बिनेशन फाइल, क्योंकि आप हमसे ये बताइए एडीबी नॉर्मल तरीके से ऑन हो जाता है क्या? नहीं। उसके लिए क्या करते हैं? हमें फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है, कॉम्बिनेशन फाइल। तो कॉम्बिनेशन फाइल आप जैसे ही फ्लैश करते हैं तो आपका एडीबी इनेबल हो जाता है। आप एडीबी इनेबल हो जाएगा तो आप एफआरपी हटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास हमारी, अब उस नेक्स्ट क्लास हमारी किसकी हुई? आईफोन। तो आईफोन में ड्राइवर डालने हैं क्या? नहीं सर, वो आईट्यून डालेंगे तो उसमें आईट्यून सेटअप ड्राइवर डिटेक्ट हो जाता है, सेटअप प्लस ड्राइवर दोनों डिटेक्ट हो जाता है। तो हमें कितने टूल चलाने होते हैं? कौन कौन से? और 3U टूल। चलो ठीक है, अब उसके लिए हम बात करें फाइल कहाँ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल हम 3U टूल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, iTunes से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके वेबसाइट IPSW से भी डाउनलोड। IPSW से आप जाके प्रॉपर उसकी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मीडियाटेक में, तो मीडियाटेक में कौन से मोड में फ्लैश होता है? मीडियाटेक सर फ्लैश मोड में होता है। तो फ्लैश मोड क्या क्या होता है?
लास्ट मोड एक वाल में आप डाउन और दोनों दबाए नॉर्मल मोड में क्या होता है? मतलब या तो डाउन या तो दोनों या तो कुछ भी नहीं। अब आप बताइए कॉलकम किस मोड में होता है, तो हमने बता ही दिया एडेल मोड में होता है। अब सैमसंग किस मोड में होता है? एडेल मोड और डाउनलोडिंग मोड। तो हम आप ये बताइए सैमसंग में हम बात करते हैं एमआई में, एमआई में कौन सी फाइल आती है? इमेज फाइल सर। इमेज फाइल आती है और उसको फॉर्मेट क्या होता है? TGZ उसका फॉर्मेट होता है, प्लस वो एक इमेज फाइल होती है, क्योंकि केवल और केवल किस टूल को सपोर्ट करेगी? एमआई फ्लैश टूल, और एमआई फ्लैश टूल केवल और केवल वो एक इमेज फाइल को सपोर्ट करती है। बट आप उसको कहां कहां से और फ्लैश कर सकते हो? एमआई को हम कहां कहां से फ्लैश कर सकते हैं? सर एमआई को यूएमटी से फ्लैश कर सकते हो और मिराकल से फ्लैश कर सकते हो। यूएमटी सबसे बेस्ट है क्योंकि उसमें केवल और केवल एक फाइल देनी होती है। कौन सी फाइल? रॉ फाइल देनी होती है। आप उसमें केवल और केवल एक फाइल से डाला है और यूएमटी से आप फ्लैश कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी सॉफ्टवेयर कर लेंगे। अब एक चीज बचा हुआ है हमारा स्पीडी। हमारी क्लास थी स्पीडी, तो स्पीडी में कौन सी फाइल आती है? बैक फाइल आती है। टूल तीन टूल कौन कौन से? एक ही टूल बता दो। अपग्रेडेड टूल आते हैं। अपग्रेडेड टूल और बाकी आपके सभी टूल पता है? ड्राइवर SCI ड्राइवर को आपको मैनुअली चलाना है कि ऑटोमेटिक? मैनुअली चलाना है। मैनुअली आपको देना है। मैनुअली ड्राइवर आप चला लेंगे? हाँ सर। कैसा लग रहा है आपको सॉफ्टवेयर क्लास लेकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आप जो सीखने आए थे, जो आपने एक्सपेक्ट किया था, वो आपको मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। चलो ठीक है, तो अब आपकी आप मैं फिर से बात करता हूँ, सभी बोलेंगे जो भी है। अब सॉफ्टवेयर कितने बेसिस से होता है? कौन कौन से? फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हम दोस्तों सब इतने लंबे वीडियो बन जाते हैं, क्योंकि हम सबको एक एक करके खड़ा करके नहीं पूछ सकते हैं। इसलिए मीडिया टेक में कौन सी फाइल आती है? मीडिया टेक में कौन सा टूल यूज होता है? मीडिया टेक में कौन सा ड्राइवर यूज होता है? अब कॉलकम की बात करते हैं, तो कॉलकम में कौन सी फाइल आती है? कौन सा टूल यूज होता है? ड्राइवर। चलो अब ये बता दो, कौन बताएगा कि सीपीयू को कितने तरीके हैं जानने के? सभी को पता है क्या? इतने लोगों को पता है सीपीयू जानने का तरीका? चलो तुम ही बता दो। सीपीयू जानना है सर, कोई मोबाइल को तो सबसे पहले गूगल में लिखेंगे उसका मॉडल नंबर और सीपीयू टाइप लिखेंगे तो आ जाएगा। क्या लिखेंगे? मॉडल नंबर। दूसरा तरीका है सर, जैसे महीना से वेबसाइट होता है उसी से मैं पता कर सकते हैं, अगर पोर्ट से भी पता कर सकते हैं अगर उसमें डायवर्ट। दूसरा क्या तरीका है? तीसरा सर पोर्ट बना के मैं उसका डाइवर है तो पोर्ट बना के मैं उसका सीधा। तीसरा पोर्ट, ये बताओ पोर्ट कब बनाएगा? जब उसमें ड्राइवर होगा। पोर्ट कब बनाएगा तुम बताओ? ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद। जब ड्राइवर हमारा रहेगा तभी हमारा पोर्ट बनाएगा, नहीं तो नहीं। चौथा उसका फाइल या फ्लैश टूल से भी पता कर सकते हैं सर। मतलब फाइल या उसके फाइल से या तो टूल से। और एक पांचवा तरीका है, वो पांचवा तरीका भी है, वो पांचवा तरीका मैं बता देता हूँ। पांचवा तरीका है, अगर जो बिल्कुल भी फ्रेशर है, जो बिल्कुल भी इन चारों चीजों से पता नहीं चलती है, तो आप क्या करिए, वो आपको पता है पांचवा तरीका, आपको पता है ना? चलिए ठीक है, उसके लिए यहाँ आना पड़ेगा। पांचवा तरीका हमारे स्पेशल एसे टेलीकॉम स्टूडेंट को दिया जाता है। वो पांचवा तरीका है क्या कि हम पांचवा तरीके से कैसे सीपीयू जानते हैं? ठीक है, तो इंडिया का नंबर इंस्टीट्यूट कौन है? ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अब बताइए पहले के में और आपके में क्या अंतर है? बहुत फर्क है सर, जैसे कि हम जो बात करते हैं जस्ट जैसे अपन बात करते हैं, लेकिन यहाँ से जैसे अपन अपने शॉप जाते हैं तो बोल चाल की भाषा में बहुत फर्क है। अपन टेक्निकली बात करते हैं, बिल्कुल टेक्निकली सिग्नल अपन जैसे किसी को पूछे तो वो नहीं मालूम हो, लेकिन यहाँ आके आपको पता चले ईएन सिग्नल क्या होता है, प्राइमरी लाइन क्या होती है, सेकेंडरी लाइन क्या होती है, शॉर्टिंग को कैसे ट्रेस किया जाता है, कोई लाइन उखड़ गई उसको कैसे रिपेयर किया जाता है,
पूरी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का जो भी नॉलेज था वो मुझे हार्डवेयर में मिल चुका था। अब मुझे हाथ जमाने के लिए एमएमसी और प्रोग्रामिंग करना था, इसलिए मैंने एमएमसी के लिए यही चुना कि यहाँ अगर हार्डवेयर इतना अच्छा है तो एमएमसी भी बहुत अच्छा होगा। तो आप मुझे बताइए कि 9 दिनों में आपका 100 एक्सपीरियंस आपने क्या क्या यहाँ पे सीखा और क्या क्या आप सोच के आते हैं और क्या आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिला? मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग सीख ली पूरी प्रोग्रामिंग, नया मोबाइल लेटेस्ट मोबाइल पुराना मोबाइल डेड बूट रिपोर्ट हेल्थ बेड रिपोर्ट जो भी एरर आते हैं एमएमसी में वो सारे कंप्लीट होगा। उसके बाद अब आज की कंडीशन में मार्केट में जितने भी नए मोबाइल चल रहे हैं उनको एमएमसी निकाल के भी अनलॉकिंग कर सकते हैं, एफआरपी एमआई अकाउंट निकाल के भी कर सकते हैं और आईएसपी पिनआउट द्वारा भी कर सकते हैं बिना डेड रिक्स के। जेटेक और यूएफआई दोनों से कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। तो दोनों को बहुत किए भी हैं सर, किए से भी किए भी हैं। A3S किया है, 6A किया है। तो कैसा पैसे ऐसे कैसे निकालते हैं और सेफली उसको कैसे करते हैं? अगर कोई एमएमसी का पिन उखड़ गया, मैंने जो डेटा का कोई पिन ऐसा निकल गया, उसको माइक्रो जंपिंग कैसे करते हैं और उसको प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं? और प्रोग्राम में बहुत सारा चीज़ है, इसमें बहुत सारा अनलॉकिंग कर सकते हैं, टेस्ट पॉइंट से अगर आईसी डेड हो गया उसको टेस्ट पॉइंट से उसको कैसे हम जिंदा कर सकते हैं? हमारे को यहाँ पर मिली जब हम यहाँ आए थे हार्डवेयर के लिए, तो उस टाइम से पहले ही हम आपकी वीडियो देख चुके थे, उसी के द्वारा हम यहाँ पर आए। जब आपने हमारे को कराया एक एक चीज़, हमारे को कुछ भी नहीं था, हम 6-7 सालों से काम कर रहे थे, पर जब हम यहाँ आए थे हमारे को लगा कि हम कुछ भी नहीं जानते, हमारे कुछ भी नहीं आते, तो यहाँ सीखे हमारे को बहुत अच्छा लगा। जो हमारे को आउटपुट चाहिए था सर वो हमारे को मिला, तो हमने सोचा कि नहीं दोबारा हम ये एमएमसी करने जाएंगे तो हम इधर ही जाएंगे। और जो हम यहाँ पर आके देखा सर, हमारे को आईसी रिवॉल्विंग वगैरह जो एमएमसी है सब कुछ हम यहाँ पर। एक बार ताली बजा दो, इन्होंने परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है। कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? तो बहुत कुछ हो जाता सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने की छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हैं? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओगे। सर जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडियन अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात करूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना हमारी मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिराकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो स्टेटस भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था, जो तरकीब बना रहा था अच्छा मोबाइल बना के लिए, वो टेक्नीशियन लोग तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट करते, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैंने यहाँ पे गए हुए जो 2-3 स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे, अच्छा देते थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज लेते। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है?
आपके में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा आया था सर, रिपेयर करो तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप सर? इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा और मुझे अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर लें, मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल बोल रहा है, मतलब हाँ क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी भी बोलते हाँ हमें बोलना है कि हमें ये बोलना, नहीं जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे हैं, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उस चीज को चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो देखा और यहाँ पे आया, तो फिर टेलीकॉम को चुना। तो आप सर 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक फायदे को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ आगे चल के। मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा स्कूल हो सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अभी उसका काम की व्यवस्था दूँ तो मैं हर एक फायदे को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी कुछ नहीं समझ लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, कल नए बच्चे जो आए थे। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amansun 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.